हाय गाइस, तो मैं स्वागत करता हूं आपका एक्सीडेंटल डॉक्टर नामक यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, मैं फिर से एक महाराष्ट्र का वीडियो लेकर आ गया हूं। तो महाराष्ट्र का वीडियो बताने से पहले मैं आज आपको काउंसलिंग का भी यहां पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा, ठीक है। यहां पे जो काउंसलिंग का साइट होता है, ठीक है, यहां पे पहले तो क्लोज स्टेट है, उसके बाद इसके काउंसलिंग की साइट की बात करें तो इसका जो काउंसलिंग का साइट होता है वो mahasait.org होता है, ठीक है। यहां पे काउंसलिंग जो होती है वो दो ग्रुप में होती है बेसिकली। ग्रुप ए में MBBS BDS के लिए, और ग्रुप बी में देखा जाए तो अगर ग्रुप ए में MBBS BDS के लिए होता है जो कि सिर्फ क्वालिफाइड स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप बी की बात करूं तो ग्रुप बी में BHMS, BUMS, उसके बाद BHMS, BUMS, उसके बाद BAMS, ये क्वालिफाइड स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट भी ऐसा कौन सा चीज है जो अप्लाई कर सकते हैं, वो है BSc नर्सिंग, BPTH, BPO, BSLP, ठीक है, इतनी सारी चीजें होती हैं। उसके बाद बात करें और सारी चीजों के बारे में, तो ग्रुप ए में आपको चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। चॉइस फिलिंग जो आप एक बार कर दोगे वो आप सेकंड राउंड में कंटिन्यू रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपको बार बार चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा। और एक बार आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो आप रिटेंशन फॉर्म नहीं भरना है आपको। अगर कॉलेज आपको अलॉट नहीं हुआ तो आप फिर से जा सकते हो, और आपको सेकंड राउंड का वेट करना है, वहां पे आपको अलॉट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप टू में अगर आपको, ग्रुप वन में अगर आपको प्राइवेट का कॉलेज मिल रहा है तो आप ग्रुप टू का काउंसलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया ग्रुप वाइज काउंसलिंग का। उसके बाद चलिए वीडियो की बात करते हैं। तो वीडियो में बताने वाला था डॉक्टर वसंत राव पवार मेडिकल कॉलेज के बारे में, ठीक है। तो इसमें अगर एकोमोडेशन की बात करें तो एकोमोडेशन इसमें दो लोग का एकोमोडेशन है। कैंपस फैसिलिटी की बात करें तो इसमें सारी तरह की कैंपस फैसिलिटी आपको मिल जाती है। उसके बाद कैंपस साइज की बात करें तो कैंपस साइज आपको, जैसे मैं महाराष्ट्र में मैंने बताया था कि थोड़ा बड़ा देखने को मिलता है, तो 54 एकड़ के अराउंड इसमें सारे कैंपस साइज वगैरह है, ठीक है। उसके बाद कट ऑफ की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ गई थी वो 545 के अराउंड गई थी, 546 के अराउंड, सेकंड राउंड की 545 के अराउंड गई थी, मतलब एक नंबर बढ़ गया था। यहाँ पे देखने को मिला कट ऑफ में एक दो नंबर घटी जाता है, और जो भी है सेकंड राउंड में देखने को मिला कि यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा घटता ही है। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो कॉलेज काफी पुराना है, आप जैसा कि देख रहे हैं 1990 का एस्टेब्लिशमेंट है। उसके बाद लॉन्ड्री चार्जेस की बात करें तो इसमें लॉन्ड्री चार्जेस वगैरह लगते हैं, ठीक है। उसके बाद आउटिंग की बात करें तो बॉयज पे एज सच बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन गर्ल्स की बात करें तो 10 PM है गर्ल्स के लिए, जो कि एक रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद पेशेंट फ्लो की बात करें तो इसमें थोड़ा अच्छा पेशेंट फ्लो है। फर्स्ट ईयर की फीस की बात करें तो इसमें 7,38,000 के अराउंड इसमें फर्स्ट ईयर की फीस है, प्लस यहाँ पे इनकम वाला है ही, अगर आप इनकम अपना टोटल दिखा दे तो यहाँ पे फीस हाफ हो जाती है, जैसा मैंने आपको बताया। और काउंसलिंग के लिए दो ग्रुप रहता है, ग्रुप ए ग्रुप बी, ठीक है। काउंसलिंग उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। ट्यूशन फीस वही 7,38,000 है। उसके बाद यहाँ पे जो काउंसलिंग चलती है उसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया, और आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप हमारे एक्सीडेंटल डॉक्टर पे आके आप हमसे पूछ सकते हो। और अगर आपको हमसे काउंसलिंग करवा रहे हैं एक्सीडेंटल डॉक्टर टीम से, जैसा कि हम सारे मेडिकोज हैं अगर आपको पता हो, तो आप अगर हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो आप हमारे साइट पे आके, वहां पे आके आप फॉर्म भर सकते हो, वहां पे आपको अपॉइंटमेंट हमसे बुक हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेट में करवाना हो तो उस वो प्लान भी है, और मल्टीपल स्टेट्स में करवाना हो तो प्लान ही है। थैंक यू सो मच गाइस।